एमएलए सुनीता बतान नहीं, आप लोग बनोगे। मेरा तो धन भी आप हैं, मेरी दौलत भी आप हैं, मेरी मेहनत भी आप हैं और मेरी शोहरत भी आप ही हैं। आप सब सुनीता बतान की ताकत हो, इसलिए एमएलए सुनीता बतान नहीं, आप लोग एमएलए बनोगे। आपका नाम अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और उद्यावान जी की लिस्ट में अलका कुंडरी में नंबर वन पर है। लोग बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि अब की बार आप कुंडरी से पक्का एमएलए बनोगे। आप सब सुनीता बतान की ताकत हैं, एमएलए सुनीता बतान नहीं, आप लोग बनोगे। क्योंकि आप सबकी मेहनत से, आपके दम से आज मेरी जो पहचान, मेरा जो नाम छोटे से लेकर बड़े नेता तक की जुबान पर है, वो सब आप सबकी मेहनत की बदौलत है। मैं एक गरीब किसान परिवार से हूँ, मेरा तो धन भी आप हैं, मेरी दौलत भी आप हैं, मेरी मेहनत भी आप हैं और मेरी शोहरत भी आप ही हैं। आप हैं तो मैं हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करके मुझे हल्का पुंडरी का जो नेता बनाया, मैं आपको पूरी तरह से ये विश्वास दिलाती हूँ, यदि परमात्मा ने चाहा और जैसा कि दिखाई भी दे रहा है, आने वाला 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें आपकी जीत 100% पक्की है। आप सब सुनीता बतान की ताकत हो, इसलिए एमएलए सुनीता बतान नहीं, आप लोग एमएलए बनोगे। देखो साथियों, आप लोगों ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो आज तक की करी रैली है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा है। आपका काम और आपका नाम अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और उद्यावान जी की लिस्ट में अलका पुंडरी में नंबर वन पर है। हर हाल में चुनाव आपने लड़ना है। मैं अपने सभी साथियों से पूछना चाहती हूँ, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े कर मुझे बताइए, तैयार हैं? तैयार है जी, तैयार है। तो आज से ही चुनाव समझ कर तैयारी शुरू कर दो। ये इलेक्शन भी आपका और एमएलए भी आप लोग ही बनोगे। आप सब ही मेरी पहचान,
और आप सब के दम पर सुनीता बतान। किसी ने सच कहा, राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे बना तेरा आसियाना, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट पत्थर पर नहीं पड़ती, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं मुझे ये बताओ कि आप कौन सी पार्टी के सरकार चाहते हो, कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हो, बताओ, नाम लेकर के बताओ। तो कांग्रेस पार्टी के सभी राजी हैं कांग्रेस पार्टी पे? हाथ खड़े करके मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने पे राजी हो? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, सुनीता बतान। बहुत बढ़िया, आप लोगों का फैसला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक लोकप्रिय नेता है, हर वर्ग का सम्मान करता है, एक किसान परिवार से है, किसानों की पीड़ा को अच्छे से समझता है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का राज था, तो उनके 10 साल के राज में हर वर्ग खुश था, किसान सुखी था, माला माल था, खुशहाल था, मजदूर सुखी था, व्यापारी सुखी था। और इस बीजेपी की सरकार में आज हर वर्ग परेशान है, आज हर वर्ग, हर इंसान कागजों में उड़ जा के रख दिया, कहीं पोर्टल की सरकार, कहीं फैमिली आईडी। तो साथियों, आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार जब से बनी, क्या आप लोगों को खुशी मिली, किसी प्रकार की कोई खुशी मिली? कागजों मार जा दिए सारे के सारे। आज हर वर्ग बीजेपी सरकार से दुखी है, और कांग्रेस सरकार को हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज किसानों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है, खाद लेने के लिए जाते हैं, खाद नहीं मिलता,